मैं हूं अर्चना और मेरी आज की रेसिपी बनारस का फेमस उड़द दाल की खस्ता करारी कचौड़ी। ये आपको बनारस की शादियों में बनारस के घाटों पे सुबह सुबह उड़द दाल की कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी खाने को मिल जाएगी। खाने में बहुत टेस्टी और डिलीशियस लगता है, तो चलिए इसको बनाते हैं घर पे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में लीजिए 1.5 बाउल मैदा। फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग मैदा कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। उसके बाद इसमें डालिए थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक, नमक यानी स्वादानुसार। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें मोयन लगाएंगे 3 चम्मच। मैंने यहाँ नॉन फ्लेवर कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है। उसके बाद मोयन अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका सेम स्टिफ डो रेडी कर लेंगे। तो जो डो लगाना है, ना ज़्यादा नॉर्मल लगाना है ना ज़्यादा टाइट लगाना है, सेम स्टिफ डो रखेंगे यानी बीच वाला रखेंगे। तो ये इसको कवर करके कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक कचौड़ी के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया सूखा धनिया, जीरा और काली मिर्च। इनको हम दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर जार में डाल के भी इनको दरदरा पीस सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें दरदरा ही रखा है। तो कचौड़ी का मसाला रेडी हो गया। इसको एक प्लेट में निकाल के एक साइड में करके रख देते हैं। या ओवरनाइट मैंने उड़द की दाल को भिंगो दिया था। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसका दरदरा सा पेस्ट रेडी कर लिए। इसका ज़्यादा स्मूथ पेस्ट रेडी मत कीजिएगा। उसके बाद एक कढ़ाई में डालिए नॉन फ्लेवर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसको अच्छी तरीके से फैला लीजिए उड़द दाल है, ताकि चिपकेगा नहीं कढ़ाई में। इसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे जीरे का और कुटा हुआ अदरक और मिर्ची। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक और मिर्ची लिया था। आप चाहें तो मिर्ची और अदरक को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला 1 बड़ी साइज़ का प्याज। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए सौते किया। प्याज जब हल्का गुलाबी हो जाएगा तो उसमें डालेंगे कुटा हुआ मसाला, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, नमक स्वादानुसार। उसके बाद मसालों को 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा हींग और ये उड़द दाल का मिक्सचर। हींग किसी भी कचौड़ी के मसाले में बहुत ही गजब का टेस्ट लाता है। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चला लीजिए। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। मिक्सर को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। इतने ही कम समय में मिक्सर हमारा ड्राई हो जाएगा। और ये देखिए मिक्सर जो है ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, एकदम परफेक्ट ड्राई हो चुका है। मगर ओवर ड्राई मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर जब इसकी स्टफिंग करेंगे तो सूखा सूखा सा लगेगा। इसके बाद मैंने इसमें डाला कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। 2 से 3 चम्मच कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डालने के बाद इनको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चला लीजिए। और ये देखिए इसकी परफेक्ट लोई बन जा रही है। गैस की फ्लेम को बंद कीजिए और इनको निकाल के एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दीजिए और इनकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। यहाँ जो कचौड़ी का आटा है वो भी परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो आटे को एक समान रूप से उसके छोटे छोटे लोइयाँ बना लेंगे, ताकि कचौड़ी बनाने में बेहद आसानी होगी। और उसके बाद हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए इनको कटोरी का शेप दे देंगे। इससे जो मिक्सर है वो बहुत ईजिली इसमें स्टफिंग हो जाएगी। यहाँ मैंने उड़द दाल की जो छोटी छोटी लोइयाँ बनाई हैं इनको इसमें डालेंगे और अच्छी तरीके से स्टफ़ करने के ऊपर की जो लीड है उसको अच्छी तरीके से क्लोज कर लेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी कचौड़ी बनाएं ऊपर वाली जो लीड है टाइटली क्लोज करें, वरना जब आप डीप फ्राई करेंगे तो मिक्सर वो बाहर देखने लगेगा, यानी कि कचौड़ी इसमें से निकलने लगेगा। ऐसा मत कीजिएगा। उसके बाद इनको हथेलियों की सहायता से हल्का सा फ्लैट कर लीजिए और ये जो कचौड़ी है डीप फ्राई होने के लिए एकदम रेडी है। इसी बीच मैंने कढ़ाई में नॉन फ्लेवर कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और कुकिंग ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाला बनी हुई कचौड़ियाँ। और कचौड़ियों को तब तक डीप फ्राई करना है दोनों साइड से, तब तक जब तक कि कचौड़ी हमारी खस्ता करारा ना हो जाए और नाइस गोल्डन कलर में चेंज ना हो जाए। कचौड़ियों को निकाल लीजिए एक प्लेट के ऊपर और इनको सर्व कीजिए आलू टमाटर की सब्जी के साथ। और मैंने यहाँ पे दिया है 2 हरी मिर्ची, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।